हमें पिछले दिनों एक मखतूतात की किताब मिली जिसमें हज़रत ख्वाजा अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह के मलफूजात थे, किसी और ज़बान में थी और मिली भी जहाँ से तो वहाँ से लेना वाकई बहुत मुश्किल है। हमने उसको तर्जमा करवा के कुछ पढ़ना शुरू किया मगर हजरत के एक मलफूज ने हालत बदल के रख दी, हालत बदल के पूरा दिन रोते गुजर गया। सादा सी बात की मगर बात बड़ी अजीब की। हजरत ख्वाजा अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह उन्होंने अपने मलफूजात में यह बात लिखी, ए अल्लाह तू जानता है। अब गौर करने की बात यह है कि ऐसे अल्लाह वालों की जुबान से बात का निकल जाना काफी होता है कि इन सच्चे लोगों की जुबान से सच्ची बातें निकलती हैं, लेकिन उनका अल्लाह को गवाह बनाकर बात करना, अल्लाह अकबर, बंदा कांप जाता है ये अल्फाज कहते हुए। अलीम बिजात सुदूर को गवाह बनाकर बात करना, उन्होंने ये बात लिखी, ए अल्लाह तू जानता है कि मैंने जिंदगी के 73 साल इस तरह गुजारे कि मेरे दिल में तेरे सिवा और कोई नहीं था। अल्लाह अकबर। इस फिक्रे को पढ़ के अजीब हालत हुई दिल की, पूरा दिन यही कैफियत रही। ऐसे पाकीज़ा हज़रात, ऐसी मकबूल हस्तियां थी, बात कर देना वो भी अजीब बात होती है, अल्लाह को गवाह के बना के बात कर। ए अल्लाह तू जानता है मैंने जिंदगी के 73 साल इस तरह गुजारे कि तेरे सिवा मेरे दिल में कोई और नहीं।